सादर नमस्कार, मैं योगेंद्र मिश्रा माँ भगवती बाबा राम साहब पीर की कृपा से आप सबकी यह जनता रसोई का यह 25वां दिन है। आप सबको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी के प्रकल्प जो कार्यकर्ता बंधु लगातार निरंतर अथक प्रयासों से चला रहे हैं वो लगातार जारी है, चाहे वो जरूरतमंद को भोजन पैकेट पहुँचाने के कार्य हो, अन्यथा गौ सेवा का कार्य हो, अथवा डॉग केयर यूनिट का कार्य हो। निरंतर जो माताएं बहनें राष्ट्र हित में घर में रहकर जनता मास्क बना रही है, उसके लिए भी मैं सभी माताओं बहनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। राष्ट्र हित में वो अपनी मुहिम चला रही है और देश के इस संकट काल में वो लगातार प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से वो सहभागी बन पाए। मेरे पीछे आप लगातार देख रहे होंगे, गायों की सेवा के लिए लगातार मेरे भाई विजय जी इंदौरिया लगे हुए हैं। जूस की व्यवस्था में भाई आशीष जी लगातार, पुलिसकर्मी जो हमारे दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं उसमें लगे हैं। साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा, कोरोना निश्चित रूप से हारेगा, लेकिन हारेगा हमारे सुदृढ़ मनोबल से, हमारी इच्छा शक्ति से। तो सरकार हमें जो भी गाइडलाइन दे, जो भी गाइडरी हमारे लिए जारी करे, हम समुचित रूप से उसका पालन करें और पूरे विश्व को हम दिखाएं किस प्रकार से हम भारतवासी एकता के साथ किसी भी बीमारी, किसी भी समस्या से जूझने के लिए, लड़ने के लिए हर समय एकजुट होकर तैयार रहते हैं। मैं आप सभी से पुनः कहना चाहूँगा, जिन जिन कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से, अथक प्रयास से यह जनता रसोई चल रही है, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो गिलहरी के समान इस योगदान दे रहा है इस जनता रसोई के महायज्ञ में, मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हमेशा की भांति ही हमारे सभी कार्यकर्ता उसी जोश के साथ हमारे सभी प्रकल्पों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जनता रसोई के माध्यम से 450 पैकेट वितरण का कार्य रोज़ निर्विघ्न रूप से जारी है। इसी के साथ जो हमारी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी हैं उनको जूस पिलाने का कार्य भी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। और डॉग केयर यूनिट और निरीह पशुओं की खाद्य सामग्री का वितरण का कार्य भी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। आज मैं मेरे शहर के सभी साथियों को अक्षय तृतीया की बधाई देना चाहूँगा। आज के दिन बद्रीनारायण भगवान के कपाट खुलते हैं, लेकिन हर वर्ष की भांति इस बार हो सकता है कि हम सबको दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिल पाए, लेकिन मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने अपने घरों में भगवान बद्रीनारायण का ध्यान कर के ये जो हमारे देश पे विपत्ति आई हुई है इससे जल्दी निजात पाने के लिए सभी अपने घर से ही प्रार्थना करें। और एक विशेष बात का ध्यान और आकर्षित करवाना चाहूँगा, अभी लगातार 4 दिनों से बारिश का दौर जारी है, रोज़ ही हमारे शहर में बारिश हो रही है। बारिश में विशेष सावधानी हम सबको रखनी है। कृपया बारिश में न भीगे, बच्चों को न भीगने दे, क्योंकि ये बेमौसमी बरसात है, अगर इसमें भीगेंगे तो बीमार पड़ेंगे, सर्दी जुखाम होने का खतरा बढ़ जाता है। और आप सभी इस बात से जागरूक है कि सर्दी जुखाम के माध्यम से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो मैं आप सबको पुनः इस बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप खुद भी बचें और अपने परिवार के सभी सदस्यों से बारिश से बचने की सलाह दें। आप लगातार जनता रसोई द्वारा चलाई जा रही डॉग केयर यूनिट में अपनी सेवा दे रहे हैं, सेवा करके आपको कैसा लग रहा है जरा बताइए। सबसे पहले मेरे देशवासियों को नमस्कार। ये जो जनता रसोई चल रही है, ये जो जिन लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा है, कुत्ते गाय इन सबको हम खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंचा रहे हैं, और जो ये सरकार की गाइडलाइन दी हुई है इन पे सभी को चलने के लिए समझा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। और नवलगढ़ की जनता इतनी समझदार है कि जो सरकार की गाइडलाइन दी हुई है उसी पे चल रही है। ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और कुत्तों तक, गायों तक, और जो भी मेरे भाई जिनको खाना नहीं मिल रहा है
उनके लिए खाना पहुंचा रहे हैं हम, यही प्रयास कर रहे हैं, इसमें सफल हो ऐसा चाहते हैं।